हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं हूँ अंकित अश्रो। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी, डैट इज़ अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कैसी होती है, उसके करेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, आप सबका बहुत सारा प्यार मिला उस पर, और काफ़ी सारे लोगों ने डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी के विषय में रिक्वेस्ट की थी। मैं एस्ट्रोलॉजी की ये बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारे योग दिए गए हैं जो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को बताते हैं। आप सबके क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं। दोस्तों, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी कैसी होती है, मैं कुछ आपको करेक्टरिस्टिक बताने वाला हूँ पॉइंट वाइज। इनमें से बहुत सारी क्वालिटी मिलती है, क्योंकि लोगों में मिलेगी, आप में भी मिलेगी, क्योंकि जो मस्कुलिन एनर्जी होगी वो क्वालिटी आप में तो मिलेगी, लेकिन जो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी, उसमें ज़्यादातर आपको 90 से 100% क्वालिटी आपको अपने में मिलती हुई नजर आएगी। चलिए देखते हैं वो कौन सी क्वालिटीज़ होती है। नंबर वन इज़ लॉजिक, क्योंकि दोस्तों ये जो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी होती है, पूरी तरह से लॉजिक और रीजनिंग की तरह सोचती है, और इनके अंदर दोस्तों इंट्यूशन, इंट्यूटिव एबिलिटी होती बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लोग कभी उसको दिखाते नहीं है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर इनके सामने कोई दोस्त, कोई फ्रेंड कभी आता है, या कभी ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, विद अ वन सेकेंड वो समझ जाते हैं सामने वाला किस फीलिंग में है, कब डाउन फील कर रहा है, कब लो फील कर रहा है, आपसे बात भी नहीं करेंगे। लेकिन इंट्यूटिव एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो समझ जाते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा बात करना चाहते हैं रीजनिंग के ऊपर, किसी तरह के लॉजिक के ऊपर। जो भी आपको समझाएंगे वो एज अ लॉजिक के बेस पे होगा, लेकिन वहीं अगर हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात करें, वो इंट्यूटिव एबिलिटी उनमें भी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर हीलिंग एबिलिटी भी होती है, तो वो लोग उसी बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करती हैं। लेकिन यहाँ पे जब डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी की बात आती है, तो वो लोग ऐसा नहीं करते, उसके पीछे भी वो एक लॉजिक निकालते हैं, वो एक रीज़न निकालते हैं, उसके बाद ही वो लोग बात करते हैं। हम नेक्स्ट अगर बात करें, देयर इज अ एनर्जी ऑफ एक्शन, इन लोगों के पास एनर्जी ऑफ एक्शन होती है। मतलब यहाँ जहाँ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात करें, वो लोग अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बेसिस पे बहुत सारे काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई परेशान है, कोई अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उसकी उस चीज़ को समझ के तो उसकी हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर वो लोग इमोशनली हेल्प करती हैं, लेकिन यहाँ पे लोग वर्क से हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ तुरंत काम करेंगे, पहले तो उसको ऐसा बताएंगे कि तुमको ग्रोथ करना है, सक्सेस करना है। देयर इज अ वेरी गुड मोटिवेटर। अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें, इनमें ट्रस्ट, इनमें हॉनेस्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग एक्चुअली सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, और जो भी जो सोल से बहुत कनेक्ट रहेगा, इनके लाइफ में एनर्जी वम्पायर्स होंगे। मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है या कोई भी ऐसा दोस्त है जो आपके लाइफ में आता, आप एनर्जी एग्जॉस्ट फील करते हैं, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं होते, जो दूसरे की एनर्जी पे सर्वाइव करते हैं। ऐसे लोग सोल से कनेक्शन होता है और सोल की आवाज़ सुनते हैं, वहीं से एनर्जी जनरेट होती है उन लोगों की, और काफ़ी सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इनकी सारी बातें हमेशा सही होती हैं, ये भी डाउनफॉल होता है, ये भी परेशान होते हैं, इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल आता है, लेकिन उससे सीखते बहुत ज़्यादा हैं ऐसे लोग, उससे लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनमें जिंदगी के प्रति जिजीविषा कहा जाए काफ़ी ज़्यादा होता है, जिंदगी को अच्छे से जीने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, अगर सही शब्दों में कहें विवेक, इन लोगों में विवेक काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं इंटरनली कि कौन सी चीज़ मेरे लिए गलत है, कौन सी चीज़ सही है, तो इसी विवेक के कारण इनको अपनी सोल से एलाइन होने की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कोई भी इस तरह का डिसीजन नहीं लेते हैं जो इनकी लाइफ में अच्छा ना हो या स्पिरिचुअल इनकी ग्रोथ ना करते हो। इनके बहुत सारे खिलाफ बहुत सारे लोग हो जाएं, बहुत सारे लोग कहें कि तुम पर्टिकुलर ये काम कर लो, तुम्हारे लिए ये सही है, लेकिन वो डिसीजन ना लेकर ये लोग अपनी सोल एलाइन जिसमें हो रही हो, उस बात को सुनते हैं जिसमें उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा हो, जिसमें उसकी सोल एग्री कर रही हो। अगर हम आगे बात करें तो इनके अंदर कौन सी क्वालिटी होती है, इनके अंदर दोस्तों हॉनेस्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो हॉनेस्टी अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा, ये लोग सर्च करते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को। अगर इनकी लाइफ में किसी तरह की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आ गई, वैसे भी इनके लाइफ में फेमिनिन एनर्जी भी आ गई, तभी भी ये काफ़ी बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के आ जाने से ये अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत पा सकते हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें ये, क्योंकि इनका फोकस बहुत ज़बरदस्त होता है, ये जिस भी चीज़ पे फोकस कर देते हैं, जैसे मैंने कहा इनके अंदर लॉजिक और रीजनिंग बहुत गजब की होती है, तो जिस चीज़ पे फोकस कर देते हैं तो वो चीज़ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ये होता है, लेकिन इनके अंदर ईगो नहीं होता दोस्तों,
ये नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं होता है, इनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि सामने वाला जो लो कॉन्फिडेंस है, कभी कभार आप फील कर सकता है कि आपके अंदर एरोगेंस आ गया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस का ही बहुत हायर फॉर्म है कि ऐसा अपनी बातों पे सही समझना दूसरे की, अगर कोई भी लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग लो फ्रिक्वेंसी की जो अच्छी बातें नहीं कर रहा है उनका पूरी तरह से वो लोग विरोध करते हैं, सीधे तौर पे नो करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने के कारण ऐसे लोगों को कभी एरोगेंस समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों के एक्चुअली बहुत अधिक कॉन्फिडेंस होते हैं, और ऐसे लोगों के नेक्स्ट है डिसीजंस हमेशा ही सही होते हैं, जो उनको और ज्यादा अवेकन करते हैं, खासकर स्पिरिचुअली अवेकनिंग करते हैं। वो हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जिनमें उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, वो हमेशा अपनी लाइफ में वो प्यार चुनते हैं जिससे उनका हेल्प मिले, जिनकी वो जिससे वो और लोगों की हेल्प कर पाएँ, लोगों की हीलिंग कर पाए, लोगों की मदद कर पाएँ। इस तरह की क्वालिटी उनमें काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम बात करें तो इनकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो है गिवन की। इन लोगों के अंदर देने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, ये लोग हमेशा देते हैं। हो सकता है कि जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है वो लोगों को हीलिंग के फीलिंग से और उसकी एनर्जी के फॉर्म पे हेल्प करे, लेकिन यहाँ पे ये रीजनिंग के बेस पर ये मटेरियलिस्टिक किसी की मदद कर देते हैं, ये क्वालिटी इनमें थोड़ा उससे अलग होती है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, लेकिन ये वो वाला साइड शो नहीं करते क्योंकि इनके अंदर शो ऑफ करने की क्वालिटी नहीं होती है। इनको लगता है कि अगर वो फॉर्म ये शो करेंगे तो इनको अच्छा फील नहीं होगा, इसीलिए ये सिर्फ वो जो इमोशनल साइड है वो सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनिन या किसी भी फेमिनिन एनर्जी के सामने ही शो करते हैं जो इनके लिए खास हो, सिर्फ उसी के सामने ये शो करते हो, ये सबके सामने इमोशनल बातें नहीं करते हैं। तो इनमें ये खास क्वालिटी होती है कि जो भी चीज़ इनको हीलिंग कर रही हो और जो पर्टिकुलर पर्सन इनके लिए मायने रखता हो उसी के सामने अपनी इमोशनल साइड्स को रखते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं, बाकी सभी लोगों की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इनमें ये खास बात होती है, इस तरह की काफ़ी सारी क्वालिटीज़ व्यक्ति में मिलती हैं। खासकर दोस्तों अगर हम एस्ट्रोलॉजी में अब आ जाते हैं तो आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दिया गया है आपका आत्मकारक ग्रह। आत्मकारक ग्रह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही आत्मकारक ग्रह आपको बताता है कि आप किस पर्टिकुलर डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी के फॉर्म में। जितना ही आत्मकारक ग्रह और अमात्यकारक ग्रह कौन होता है मैं आपको शॉर्ट शब्दों में बता देता हूं। आपके प्लैनेटरी डिग्री देखिए, हॉरोस्कोप देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर से, उसमें आपका जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होगा वही आपका आत्मकारक ग्रह होगा, उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होगा वो अमात्यकारक ग्रह होगा। तो ये दोनों ग्रह की पोजिशन आपके हॉरोस्कोप में बहुत ही अच्छी होगी, तब चांसेस बन जाती है कि आप मस्कुलिन एनर्जी से डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी की तरफ यात्रा करें, आप इसमें आगे बढ़े और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्विक एंड शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो अपने दोस्त तथा साथियों तक भी शेयर करिए, और जो भी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी हैं उन सभी लोगों को और बाकी सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ और उम्मीद है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिसमें हमारे रेगुलर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।